हेलो दोस्तों, मैं सुमित। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन का एक नया अपडेट आया आज के दिन। देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया हुआ है। तो इस अपडेट में आपको क्या क्या मिल जाता है और आपको ये अपडेट नहीं मिला है तो आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए कि वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। बाकी अब देखो, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ ये जो अपडेट है काफी कम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। वो कहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेटिंग में हम जाते हैं, सेटिंग में जाने वाला सिस्टम ऐप अपडेटर में जाते हैं तो यहाँ पर हमें ना सिक्योरिटी एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाता है। काफी जितने भी सिस्टम के अपडेट्स होते हैं वो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। बट ये जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है अभी तक इसका अपडेट यहाँ पर बहुत ही कम डिवाइसेस में देखने को मिला है। तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने दिया हुआ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाके लिंक रिसीव हो जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। मैं ट्राई करूंगा उसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक देने का, तो भाई आपके ऊपर डायरेक्ट डाउनलोड लिंक का वेट कर लेना, वरना टेलीग्राम पे क्लिक करना, सीधे डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो इसका जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन लिखा हुआ 7.0.1 ये आपको देखने को मिला था। अभी तक जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी एप्लीकेशन थे उसका वर्जन आप 6.2 ऐसे चल रहा था, अभी सीधे डायरेक्ट 7.0.1 पे पहुंच चुका है। मतलब कुछ तो खास होगा इसके अंदर। तो सिंपल हम इस पे जाते हैं, टैप करते हैं और अपडेट पे टैप कर देते हैं। इस तरह से आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को इसके अंदर काफी सही देखने मिली और देखिए तुरंत ही ये चुका है, उसको डन कर देते। डन करने के बाद सिक्योरिटी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पर मेरे को कुछ ज्यादा खास चीज देखने को नहीं मिली है, बट एक चीज मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी अलग देखने मिली है। पहले जो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर नॉर्मल हाई और कुछ इस तरह से देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर सेल्सियस में दिखाता है आपका टेम्परेचर। तो ये चीज मेरे को इसके अंदर थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। पहले यहाँ पर नॉर्मल देखने को लिखा हुआ आता था हमेशा, अगर आपका फोन का टेम्परेचर ज्यादा होता तो हाई दिखाने लगता था कुछ इस तरह से, लेकिन अभी तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि तरी सेल्सियस में चल रहा है, ये चीज देखने को मिल जाती है। तो ये चीज इसके अंदर पहली चेंज की गई है। अब दूसरी चेंज की हम बात कर लेते हैं, जो कि मेन चेंज है वो सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर मिलेगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पर स्लाइड बार है, जिस डिवाइस के अंदर पहले से स्लाइड बार है उसी के अंदर ये चीज वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं वर्क करेगी। ऑलवेज शो आप कर दोगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आया था, पॉपअप आया था, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रेस एंड होल्ड इंडिकेटर टू मूव, आप इसको मूव कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। ये देख सकते हैं इसको मैं टैप करके रखूंगा, इधर से इधर कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। पहले क्या होता था, लेफ्ट एंड राइट का ही ऑप्शन आता था कि आप इसको राइट में कर सकते हो और लेफ्ट में कर सकते हो, लेकिन अब आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ये चीज मैंने बहुत पहले भी बताई थी लेकिन ऑफिशियल नहीं आई थी, हमें चाइना का सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता था। काफी सारे लोगों को डर रहता था भाई चाइना की हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ दिक्कत हो जाएगी, ये वो। बट इसके अंदर अभी ये ग्लोबल एंड इंडिया के लिए ये अपडेट है, इसके अंदर कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन नहीं है। चाइना वाला जो होता है उसकी एक पहचान है, जब आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाओगे उसका ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये चेंज नहीं होता क्योंकि ये ग्लोबल का है। तो ये चीज काफी बढ़िया देखने में मिलती है। तो आप देख सकते हो आप मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पहले क्या होता था इधर की साइड से हमें करना पड़ता था और इधर से करना पड़ता था, तो जो कि बहुत सारे लोगों के हाथ नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब क्या आप इसमें सिंपल यहाँ पर आप इसको टैप करोगे और ये यहाँ से चालू हो जाता है, जो कि काफी सही हमें देखने को मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें कि गेम वगैरह में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ही आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, भाई गेम रिक्वेस्ट वगैरह आने लग जाती है, तो इसको हम यहाँ पर साइड से ओपन कर लेते हैं। तो इस साइड से क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो अभी हम जाते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन गेम टर्बो, कहाँ चला गया गेम टर्बो, तो मे बी चालू ही हो। तो इसका जो यूआई है यार ये चेंज नहीं हुआ, ये हो जाना चाहिए था, पता नहीं भाई क्यों नहीं चेंज हुआ। इस पे हमने टैप किया, यहाँ पर हम बीजीएमआई को ऐड कर लेते हैं, ये रहा हमारा बीजीएमआई, इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक किया तो भाई साउंड तो खतरनाक आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को सेम टू सेम कुछ याद है यहाँ पर खास नहीं है। तो भाई यहाँ पर भाई ये दो चीज मेरे को चेंज देखने को मिली थी, तो मैंने सोची आपको बता दूं, एक तो स्लाइड बार वाला और यहाँ पर सिक्योरिटी एप्लीकेशन बैटरी में अब जब जाओगे ये आपको देखने को मिलता है। बाकी छोटे मोटे वही चेंजेस किए गए होंगे कि थोड़ा बहुत लैग वगैरह को रिड्यूस किया गया होगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो वही है, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसको अनइंस्टॉल करना है तो सिंपल इस पर टैप एंड होल्ड करके रखोगे, आई बटन आएगा और इस पर अनइंस्टॉल कर देना और आपका जो पुराना वाला जो है ये हो जाएगा, ये चीज देखने को मिल जाती है। तो ये थी भाई आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय हिंद जय भारत।